दोस्तों आज जो कॉमिक से हम पढ़ेंगे उसका नाम है बिल्लू और लंच ब्रेक। ये कॉमेडी कॉमिक्स है बिल्लू की, तो पढ़ते हैं इसको। ये ऐड है, इसको छोड़ देता हूँ। लंच ब्रेक। अकेडमी स्कूल। टन टन। लंच ब्रेक की घंटी बजी, आओ घास पर बैठकर खाना खाए। बिल्लू तुम्हारा टिफिन कहाँ है? जो जी मम्मी ने आज खिचड़ी बनाई थी जो मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं घर से खाना नहीं लाया। मैं कैंटीन में जाकर छोले भटूरे खा लूंगा। मैडम लतीफा। बिल्लू लता तुम घर से टिफिन लेकर नहीं आए। मैडम मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगा, तुम्हें वहां से कुछ खरीद कर खाने की जरूरत नहीं। मैं आज खाना ज्यादा ले आई हूँ, हम दोनों इसे बांट कर खा लेते हैं। लो खिचड़ी, तुम उसे खा क्यों नहीं रहे? अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे वहां बेंच पर बैठकर खा लूं। जरूर। कुत्ते मुझे तो एक पसंद नहीं, तुम इस खिचड़ी से अपनी भूख मिटा लो। है यह खिचड़ी इतनी खराब बनी है कि कुत्ता भी मुंह फेर कर चल दिया, वापस चला जाए। कहो खिचड़ी खिचड़ी कैसी लगी? बहुत अच्छी, ऐसी जायकेदार चीज मैंने कभी नहीं खाई, दिल करता था और खाऊं। सच, तुम्हें तुम्हें मेरे हाथ का बनाया खाना इतना अच्छा लगा? मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें और खिचड़ी खिलाऊंगी। मगर कहीं पीछे से स्कूल के पीरियड ना शुरू हो जाए। लंच ब्रेक 45 मिनट का है, अभी 10 मिनट बीते हैं। मेरा घर पास में है, हम खा पी कर आराम से वापस स्कूल आ सकते हैं। तुम घबराओ मत, तुम्हारा भूगोल का पीरियड मैंने ही लेना है। बिल्लू क्यों रो रहे हो? गब्दू मैंने खिचड़ी की झूठ मूठ तारीफ कर दी, अब मैडम लतीफा के घर जाकर मुझे वह खानी पड़ेगी। और उससे मुझे इतनी नफरत है कि खिचड़ी के बदले मैं जहर खाने को तैयार हूं। तो तुम टीचर से यह क्यों नहीं कहते थे? टीचर सख्त नाराज हो जाएगी, जो इम्तिहान में मेरे लिए अच्छा सिद्ध नहीं होगा। एक आइडिया आया है, तुम मौका पाकर खिचड़ी को खिड़की से बाहर फेंक देना और मैं उसे उठाकर कारपोरेशन के कूड़ेदान में डाल दाऊंगा। ठीक है, यह मेरा घर है, स्कूल के बिल्कुल पास है। बैठो। लो खिचड़ी जल्द जल्द हजम होने वाला पौष्टिक आहार है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। खाते क्यों नहीं? मुझे एक गिलास पानी चाहिए। मैं पानी लेकर अभी आई। शुक्र है बलाट दी, अब मैं इसे बाहर फेंक सकता हूँ। ओह कमबख्त, खिड़की नहीं खुल रही। मैडम क्या यह खिड़की नहीं खुल सकती? ताजा हवा अंदर आएगी, मैं अभी खोलती हूँ। खोल दी, जंग लगने से जम गई थी, अब खाओ। मैडम लगता गिलास में पानी लेने के बाद आप नल बंद करना भूल गई, पानी बहने की आवाज आ रही है। धन्यवाद बिल्लू, तुम अगर याद न कराते तो पता नहीं यह नल कब तक बहता रहता। यह गई खिचड़ी, तुमने बड़ी जल्दी उसे खा लिया, लगता तुम्हें बड़ी भूख लगी थी। उतनी खिचड़ी से तुम्हारा पेट नहीं भरा होगा, मैं जाकर और लाती हूँ। नहीं मैडम, मेरी भूख मिट गई है। तकलीफ न करो, लो इसे भी खा जाओ। मुझे कोई पहली बार ऐसा मिला है जिसे मेरे हाथों का बना खाना पसंद किया है। खाओ। पानी ठंडा नहीं है क्या? थोड़ी बर्फ मिलेगी, मैं भी लेकर आई। लो दोस्त गब्दू, इसे कूड़ेदान में फेंकाओ। शुक्र है यह पास ही है। अरे तुमने इतनी जल्दी दूसरी प्लेट भी साफ कर दी, तुम खिचड़ी के असली कदरदान हो। हाँ मगर अब और मत लाना, मैं पेट भर गया है। ये लो बर्फ, अब आप जाने की इजाजत दीजिए। तुम चलो, मैं घर को ताला लगाकर स्कूल आती हूँ। कैंटीन। गब्दू जाकर जल्दी से कुछ खाया जाए, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। एक प्लेट छोले भटूरे जल्दी लीजिए, वह खाने का लुत्फ लुत्फ तो अब आएगा। अरे लंच ब्रेक खत्म होने की घंटी बज गई और बिल्लू कैंटीन में बैठा क्या कर रहा है? लंच ब्रेक खत्म हो चुका है, तुम्हें छोड़कर सारे विद्यार्थी क्लास में पहुंच चुके हैं, उठो। मगर मैडम मैं भूखा हूँ। झूठ, क्या तुम मेरे यहाँ से पेट भरकर खिचड़ी खिचड़ी खाकर नहीं आए? हीरो। बिल्लू काफी कसरत हो गई, घर चले। रिकेट जरा स्प्रिंग खींच लूँ, इससे बाजू सुडौल बनते हैं। अपना पर्स मेरे हवाले कर दो, बचाओ बचाओ। धड़ाक, आओ पकड़ लो इस बदमाश को। चलो तुम्हें भी चलना होगा,
लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो उस महिला को बचाया है। तभी तो दूरदर्शन में तुम्हारा इंटरव्यू होगा। हम चाहते हैं कि देश के नौजवान तुम्हारी तरह बहादुर बने। बिल्लू भैया, हम साला से तुम्हारी टी शर्ट ले आया हूँ, इसे पहन लो। देखिए, तुम भी साथ आओ। दूरदर्शन, जब तुमने उस बदमाश के हाथ में छुरा देखा तो क्या तुम्हें डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। मैं रोज व्यायाम करता हूँ और मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं किसी भी पहलवान को नाखून से चबा सकता हूँ। यह इंटरव्यू दूरदर्शन पर कब दिखाया जाएगा? आज रात चैनल पर 4 पर 9:35 पर। कहो रिक्की, इंटरव्यू कैसा रहा? बाकी तो सब ठीक था, पर तुमने जो यह कहा कि तुम किसी भी पहलवान को नाखून से चबा सकते हो, इससे तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। वह कैसे? जब रूस में हिंद पहलवान बजरंगी तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पर देखेगा तो यह वह इसके लिए खुला चैलेंज होगा। वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब क्या किया जाए? बजरंगी पहलवान दूरदर्शन पर इंटरव्यू न देखे, नहीं तो तुम अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में अपनी बेड रिजर्व करवा लो। बाय। बिल्लू, क्या बात है, परेशान नजर आ रहे हो। मम्मी, परेशानी टीवी पर आने वाले मेरे इंटरव्यू की वजह से है। यह तो खुशी की बात है। 8:15 बज गए, मुझे जाना चाहिए। बजरंगी को किसी तरह टीवी देखने से रोकना है। बजरंगी, रुको, टीवी न चलाना। रीगल थिएटर पर अच्छी फिल्म लगी है, क्यों ना हम दोनों वह देखने चले? कौन सी फिल्म है? तेजाब। वह मैंने देखी है, जाओ। कवि सम्मेलन पर चले, कविता मेरे पल्ले नहीं पड़ती। संगीत की श्याम कोई दिलचस्पी नहीं। तो मैं आज तुम्हें होटल में डिनर खिलाता हूँ। बाद में भोजन कर चुका हूँ, कल चलूंगा। मुझे टीवी चलाने दो। अगर चलाना ही है तो चैनल 7 चलाओ, उसमें बड़ा अच्छा सीरियल आ रहा है। ठीक है, बच गए। मेरा इंटरव्यू चैनल 4 पर आना है, जबकि पहलवान ने 7 चलाया है। इस समय 8:30 बजे हैं। अब चैनल 4 के सारे प्रोग्राम चैनल 7 पर भी दिखाए जाएंगे। मेरे बाजू में इतनी ताकत है कि मैं किसी भी पहलवान को नाखून से चबा सकता हूँ। चूहे, तेरी हिम्मत, इसी कारण तू टीवी खोलने नहीं दे रहा था। बजरंगी, वह मजाक था, नहीं तुमने दूरदर्शी 1 करोड़ों दर्शकों के सामने चैलेंज दिया है। तुझे मेरे साथ कुश्ती लड़नी होगी, मैं तुझे 0 से हीरो बना दूंगा। कुश्ती तो कमरे से बाहर होगी ना। आज फैसला हो जाए कि किसके बाजू मजबूत हैं। आओ धड़ाक। बजरंगी, उठो। नहीं उठ सकता, तुम जीते। बिल्लू, कहां से आ रहे हो? रुस्त में हिंद बजरंगी को हराकर। जोड़ा क्वीन, आज चरखी चलाई जाए, दिल बहलाने का यह अच्छा साधन है। बिल्लू, क्या तुम मुझे अपनी चरखी चलाने दोगे? तुम मेरा व्यू मास्टर ले सकते हो। ज्योतिष चरखी चलाने के लिए पहले इसे सीखना पड़ता है। यह कौन सा मुश्किल है, मैं इसे चला लूंगी। वाह, ज्योतिष के व्यू मास्टर में सुंदर चित्र है। अब वह लौट कर मेरे हाथ में आएगी। हाँ, मैंने कहा था ना कि इसको चलाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। कड़ाक, लो संभालो अपनी चरखी, इसने मेरा कंगन तोड़ दिया। बिल्लू, जरा अपनी चरखी मुझे चलाने दो। लेकिन गब्बू, क्या तुम्हें चलाना आता है? क्यों नहीं, इसे चलाना बड़ा आसान है, देखो। पहरे रोमी, रुको। ओह, चरखी का धागा टूट गया। धप्चों, तुमने मेरे रोमी को रुला दिया, माफ कर दीजिए। वह अचानक हो गया। चरखी में अब नया धागा डालना होगा। वह फिर चलने लगी है। दोस्त, मुझे अपनी चरखी चलाने दोगे तो मेरा हवाई जहाज ले सकते हो। ठीक है मोनू। वाह, उधर जाकर जहाज को उड़ाना चाहिए। जुड़ा क्वीन, बहनों, ब्यूटी क्वीन की तरह हमने जुड़ा क्वीन के चुनाव का आयोजन किया है। जुड़ा भारतीय नारी की परंपरा का गौरवशाली प्रतीक है। जिसका जुड़ा जितना ऊंचा होता है, वह महिला उतनी महान होती है। अब हम सारी प्रतियोगियों के जुड़े नापेंगी। 9 इंच, अगली चलो। 10.5 इंच, अगली। ऐसी प्रतियोगिता न कहीं हुई न सुनी। 18 इंच, प्रतियोगिता का सबसे बड़ा जुड़ा। मुबारक हो, जिसका जितना ऊंचा जुड़ा उसकी उतनी ऊंची शान। मैं बालों को ज्यादा लंबा करूंगी ताकि मेरा जुड़ा विश्व में सबसे बुलंद हो। ये वह गया जहाज, श्रॉट। बाप रे, यह क्या हो गया, श्रॉट। बिल्लू, मैंने तुम्हारी चरखी से काफी खेल लिया, इसे संभालो और मेरा जहाज दो। यह लो तार, जहाज उधर जा गिरा है।
मैं उसे ढूंढ लूंगा। वेरा, क्या यह जहाज तुम्हारा है? कोई शक, लेकिन जहाज रखना तो कोई जुर्म नहीं, पर भारत का सबसे ऊंचा जुड़ा काट फेंकना है। अमरूद का स्वाद, बिल्लू मन लो अमरूद खाओ, लेकिन यह अमरूदों का मौसम नहीं है गब्दू, तुमने कहां से लिए? सिटी फार्म में एक अमरूद का पेड़ है जो साल भर फल देता है। मैं और जोजी मोपेड पर जाकर हर रोज वहां से अमरूद लाते हैं। सचमुच यह मीठा है। हाँ, आज फिर मुझे अमरूद लेने जाना है। जोजी को फोन करता हूँ, मैं रास्ते में उसे मोपेड पर साथ ले लूंगा। बिल्लू, अमरूद इतना स्वादिष्ट था कि मेरा मन ललचा रहा आया है। वे तो खत्म हो गए, क्यों न सिटी फार्म जाकर उस पेड़ से हम सारे अमरूद तोड़ लाए। हफ्ता भर आराम से खाएंगे, ख्याल तो अच्छा है। लेकिन मनु, अगर गब्दू और जोजी वहां पहुंच गए तो वे आधे अमरूद ले जाएंगे। मैं गब्दू के मोपेड की आवाज निकाल देता हूँ ताकि वे दोनों वहां पहुंच ही न सके और सारे अमरूद हमारे हिस्से में आए। फिस, चलो अब हम वे फल इकट्ठे करें। है, मेरे मोपेड के पहियों की आवाज निकल पड़ी है। यह काम जरूर बिल्लू का है, जोजी को बोलना चाहिए। जोजी, बिल्लू अपने मोपेड पर सिटी फार्म की तरफ शायद गया है, कहीं वह सारे अमरूद न तोड़ ले। वह गुजरेगा तो मेरे घर के आगे से ही। महात्मा जी, मुझे आपके कांटों की सैया चाहिए। बालिका इस समय हम हठ योग कर रहे हैं। थोड़ी देर आप अपना विश्राम छोड़ दीजिए, काम पूरा होते मैं इसे लौटा जाऊंगी। हा, जब तक गब्दू और जोजी वहां पहुंचेंगे हम सारे अमरूद तोड़कर 9 to 11 हो जाएंगे। फटाक फटाक। ओह, यह क्या? कहो, अमरूद का स्वाद कैसा है? नई लड़की, मोनू, लगता है वह लड़की इस ब्लॉक में नई आई है। क्या आज मैं उसे सर्कस दिखा देखने नहीं ले जा सकता? बिल्लू, दोस्ती कर लोगे तो वह तुम्हारे साथ जा सकती है। अगर तुमने किसी को दोस्त बनाना है तो पहले उसके पालतू जानवर को मित्र बनाओ। लेकिन बिल्लियों से मुझे नफरत है, लड़की की खातिर करना पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम बिल्लू है, इसी ब्लॉक में रहता हूँ। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं रीटा हूँ, झांसी में रहती हूँ। गर्मी की छुट्टियां बिताने यहाँ चचा रोय के घर आई हूँ। कितनी प्यारी बिल्ली है, लो मूंगफली खाओ। अरे, वह बिल्ली किधर को भाग गई? रईस घर की बिल्ली है, मूंगफली नहीं बिस्कुट खाती है। बोलो, मेरे रास्ते में न आओ। उस नई लड़की के साथ सर्कस देखने मैं जाऊंगा। मैं दो टिकट भी खरीद लाया हूँ, लेकिन रीटा के पास पहले मैं गया था। हेलो, मैं बोलू हूँ, 11वीं क्लास में पढ़ता हूँ। और जनाब, पिछले 4 सालों से फेल हो रहे हैं। मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूँ और अब तक इनका सबसे ज्यादा स्कोर रहा है 0। देखो, मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। इससे पहले कि मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूं, यहां से चले जाओ। कभी कभी मच्छर की मूंछ तोड़ी है? दोस्तों, रुको, मुझे कुछ कहना है। अगर तुम लड़ोगे तो यह तुम दोनों में से किसी के साथ दोस्ती नहीं करेगी। इधर आओ। गांधी जी ने हिंसा करने को मना किया है, हम समस्या को किसी दूसरे तरीके से सुलझाएंगे। दोनों दौड़कर उस खड़े ट्रक को छूकर मेरे पास आओ। जो पहले पहुंचेगा वह लड़की को सर्कस दिखाने ले जाएगा। जाओ। मैं पहले ट्रक को छू लूंगा। नहीं, मैं पहले। ओह, वह चल दिया, अब उसे नहीं छू सकते। मोनू, कोई और प्रतियोगिता बताओ, मुझे सोचने दो। रस्सा कसी, जो तुम दोनों में से जीते वहीं रीटा को सर्कस से ले जाए। खींचो। आह, मैं मिनिस्टर हूं और मैं देखूंगा कि हाँ, हर किसी के साथ इंसाफ हो। ड्राइवर, रुको, दो लड़के एक रस्सी के लिए खामखा यूं ही झगड़ रहे हैं। अरे भाई, एक रस्सी के लिए मत खिंचातानी करो, हम फैसला किए देते हैं। आधी रस्सी एक ले ले और आधी दूसरा। कट। ओह, दड़ाम। रस्साकसी से भी कोई निर्णय नहीं हो सका, मैं कोई और तरीका सोचता हूँ। हाँ, टॉस, मैं सिक्का उछालता हूँ, जिसके पक्ष में गिरे वह जीता। चित मेरा, पट मेरा। टन, सिक्का तो मेन हॉल में चला गया। इससे भी कोई फैसला नहीं हो सका। अब एक ही रास्ता बचा है,
हम दोनों जाकर रीटा के चचा राय से पूछें कि वह तुम दोनों में से किसके साथ उसे भेजना पसंद करेंगे। इस बार निर्णय जरूर होगा। श्रीमान रॉय, क्या मैं आपकी रीटा को सर्कस दिखाने ले जा सकता हूँ? नहीं, वह मेरे साथ जाएगी। मैंने दो टिकट खरीद रखे हैं। रीटा सर्कस नहीं देख सकती। क्यों? क्योंकि वह अंधी है। ब्रेडमैन का बैट और माँ, मेरा क्रिकेट बैट कूड़े में जा रहा है। पता है पिंटू, यह टूटा हुआ है, इसलिए इसे फेंक रही हूँ। मुझे घर के को साफ सुथरा रखना है। टूटी फूटी सारी चीजें यहाँ नहीं रख सकती। बेशक तुम इसे घर में न रखो, लेकिन इसे कुछ पैसे वसूल हो जाएं तो क्या बुराई है? मैं इसे कौन से जोड़कर किसी को बेच दूंगा? इसे कौन खरीदेगा? दुनिया में बेवकूफ बहुत हैं। देखना, मैं इस पुराने बैट को नए से ज्यादा दामों में बेचकर दिखाऊंगा। लगता है बेटे को किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाना पड़ेगा। ये आजकल उल्टी पुल्टी बातें करने लगा है। बिल्लू, बात सुना। पिंटू, फिर कभी मुझे क्रिकेट मैच खेलना है और मैं एक अच्छा बैट खरीदने जा रहा हूँ। सेंचुरी बनाने वाला बैट को नहीं खरीद लेते? मैं तुम्हें यह 100 रुपये में दे दूंगा। इतना महंगा? बाजार में 60 रुपये का अच्छा बैट मिल जाएगा। लेकिन सर, डॉन ब्रेडमैन का बैट नहीं। क्या यह सचमुच सर ब्रेडमैन का है? बिल्कुल। तो ये लो 100 का नोट, बैट मेरा हो गया। जाओ सेंचुरिया बनाओ और ब्रेडमैन की तरह अपना नाम भी रोशन करो। क्रिकेट मैच शुरू होता है। ओह, मेरा बैट तड़ाक। हो। पिंटू ने धोखा दिया, मैं शून्य पर आउट हो गया। कुछ दिन बाद, बिल्लू किस पशु पेश में हो? पिंटू, बड़ी उलझन में हूँ। यहाँ आओ, मेरी 1,000 रुपये की लॉटरी निकल आई है। इसके लिए तो तुम्हें खुश होना चाहिए। देखो मेरे टिकट का नंबर और 21 अप्रैल के अखबार में परिणाम का नंबर, दोनों मिलते हैं, मगर परिणाम निकले 1 हफ्ता हो चुका है। यही तो दुख की बात है। आजकल सुखदेव स्कूल के प्रिंसिपल साहब एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं और मुझे स्कूल में ही शाम हो जाती है। मैं लॉटरी के दफ्तर जाकर 1,000 रुपया वसूल नहीं कर पा रहा हूँ। तुम अपना टिकट 500 रुपये में मुझे क्यों नहीं बेच देते? 1,000 रुपये का टिकट 500 में? अरे भाई, लॉटरी के दफ्तर टैक्सी में जाने पर भी तो मेरे पैसे खर्च होंगे। फिर कुछ न मिलने से कुछ मिलना बेहतर है। ठीक है, मैं यह टिकट तुम्हें बेचता हूँ। यह रखो 500 रुपये। हाँ हाँ पिंटू बेटा, तुम सचमुच एक कुशल व्यापारी हो। 21 अप्रैल का अखबार भी रख लो। अब बिना देर किए मुझे लॉटरी के दफ्तर जाकर इनाम की रकम लेनी चाहिए। टैक्सी कनॉट प्लेस, नहीं तिलक नगर। तुम उल्टी दिशा में क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मेरा घर उधर है। दूसरी टैक्सी आ रही है। कनॉट प्लेस चलो जल्दी। ठीक मौके पर पहुंच गया ऑफिस। लीजिए टिकट नंबर 00745 32 और निकालिए इनाम की रकम। मुझे अफसोस है कि इस टिकट ने इनाम नहीं जीता, मगर 21 अप्रैल के अखबार में जो परिणाम निकला है उसमें यही नंबर घोषित है। प्रिंटर की गलती से वह गलत नंबर छप गया था। दूसरे दिन 22 अप्रैल के अखबार में भूल सुधार छपी है। इसके अनुसार इनाम जीतने वाला नंबर है 00745 31। जैसे को तैसा। मोती खो गया। मोती स्कूल की छुट्टी हो गई, चलो घर चलें। किताबों का बैग बहुत भारी है, रास्ते में थोड़ा विश्राम करेंगे। वह कितने पके जामुन है इस पेड़ पर। तुम मेरे बैग का ख्याल रखना, मैं ऊपर चढ़कर जामुन खाऊं। वह जामुन मीठे हैं। मोती अब घर चलें। अरे मोती कहाँ हो? पता नहीं कहाँ चला गया, शायद वह घर पर चला गया होगा। मम्मी, क्या मोती घर आया है? नहीं बिल्लू, जो जी यहाँ वह अक्सर चला जाता है, उसे वहां ढूंढ कर आता हूँ। जोजी, क्या मोती यहाँ आया है? नहीं, पता नहीं वह कहाँ खो गया। पुलिस स्टेशन जाओ, वे उसे ढूंढेंगे। अब और चारा भी क्या रह गया है? इंस्पेक्टर साहब, मेरा कुत्ता मोती खो गया है। हुलिया बयान करो। कद छोटा, रंग भूरा, दुबला, बड़ा नटखट। रिपोर्ट लिख लिए, जा सकते हो। ठहरो, तुम्हारा मोती मिल गया। कहाँ? तुम्हारे बैग में। जीरो और हीरो। जीरो, यस हीरो,
ये छोकरे क्या लिए आ रहे हैं? मैं जीरो और यह हीरो, हम तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। मुझे बिल्लू कहते हैं और यह गब्बू है। 9 वर्ष की पूर्व संध्या मनाने के लिए केक लेकर आ रहे हैं। हम उस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रहते हैं। हमारे कमरे के पीछे वाली वह खिड़की दिख रही है। अच्छा हीरो, फिर मिलेंगे। जीरो, क्यों ना केक हम अपने लिए हथिया ले। मैं लिफ्ट से उनके 5वीं मंजिल पर अगले दरवाजे पर जाता हूँ। उन्हें घर से बाहर बुलाकर बातों में उलझाता हूँ। जब वे बाहर हो तो पीछे से इस सीढ़ी से चढ़कर उनकी खिड़की से अंदर दाखिल होकर केक लेना और चुपचाप इसी सीढ़ी से नीचे उतर आना। ट्रेन, दरवाजे की घंटी बजी, कोई आया है। तुम्हारा फोटो लेना तो भूल ही गया, बाहर आओ। क्लिक, यही मौका है। इस सीढ़ी से 5वीं मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। वेयर आर लजीज केक, अंदर भी कोई नहीं है। सारा प्लान कामयाब रहा, बचाओ। बिल्लू सर्कस में, बिल्लू शहर के बाहर एक सर्कस किरने टेंट गाड़े हुए हैं। चलो उधर ही चलते हैं। गब्दू, जरा सर्कस के जानवरों को देखा जाए। रिंग मास्टर साहब, आप क्यों मुंह लटकाए बैठे हैं? ईश्वर के यहां से बुलावा आ गया है। वह कैसे? यह जो शेर सो रहा है उसे अभी जंगल से पकड़ा गया है। इसे ट्रेनिंग देने का काम मुझे सौंपा गया है। रिंग मास्टरों का काम ही होता है जंगली जानवरों को ट्रेनिंग ट्रेन करना, पर यह बड़ा खूंखार शेर है। देखो, मुझसे पहले जिस रिंग मास्टर ने शेर को पालतू बनाने की कोशिश की थी वह आ रहा है। 3 दूसरे अस्पताल में पड़े हैं। फिक्र न करो, मैं शेर के खटघरे में जाऊंगा। तुम मुझे जाने दो। लगता है बिल्लू की अकल घास चरने गई है। हे प्रभु, अगर इस लड़के से कोई नादानी हो गई हो तो उसे बख्शना। गरुड़, शेर जाग पड़ा। रिंग मास्टर साहब, आ जाइए, कोई खतरा नहीं। क्या गारंटी है? मैंने इसकी पूंछ बांध दी है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।